सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में जी न्यूज की उसी कवरेज का और मेरा भी दो पन्नों में जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और यह बहुत बड़ी बात है जब इतने बड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दो पूरे पन्ने, दो पेजेस सिर्फ हमारे बारे में है, यानी जी के बारे में है और मेरे बारे में है, जो इंटरव्यू मैंने नरेंद्र मोदी का उस समय किया था। और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारे बारे में क्या लिखा है। ड्यूरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन अ रिक्विजिशन वॉज सेंट टू जी टीवी टू मेक अवेलेबल अ कॉपी ऑफ सीडी ऑफ अ टेलीविजन इंटरव्यू ऑफ श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर गुजरात कंडक्टेड बाय देयर कॉरेस्पॉन्डेंट श्री सुधीर चौधरी ऑन 1/3/2002, यानी 1/3/2002 को मैंने जो इंटरव्यू किया था गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस इंटरव्यू की कॉपी एसआईटी ने तब मांगी थी। और फिर एसआईटी ने मुझे कई बार पूछताछ के लिए गांधीनगर के अपने ऑफिस में बुलाया और घंटों घंटों तक पूछताछ होती थी, और जिसमें मुझसे कहा जाता था कि यह बताइए कि जो इंटरव्यू आपने किया था उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, और उन्होंने यह कहा था कि नहीं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी मतलब यह कि उन्होंने यह कहा कि एक क्रिया हुई है गोधरा में और उसकी प्रतिक्रिया हुई है अब यहां गुजरात के दंगों के रूप में। क्या उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं कहा था, ऐसा वो मुझसे बार बार पूछते थे और उम्मीद करते थे कि मैं ये कहूं कि हां वाकई उन्होंने ऐसा कहा था। तो जो मैंने बयान दिया एसआईटी को, उसका जिक्र किया है आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जिक्र किया गया है। श्री सुधीर चौधरी हैज स्टेटेड दैट ही अटेंडेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी ऑन 1/3/2002 एट अ सर्किट हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गांधीनगर। He has further stated that Shri Narendra Modi was known to him and that he had interviewed him earlier several times in Delhi. Shri Sudhir Chaudhary has stated to have requested Shri Narendra Modi for a short interview after the conference, to which the latter agreed, and as such he was interviewed for about 10 minutes. 10 minute ke aaspaas ka maine unka interview kiya tha. Fir isme likha hai, श्री नरेंद्र मोदी हैड बीन क्वेश्चन्ड अबाउट द अफोरसेड इंटरव्यू गिवन टू जी टीवी ऑन 1/3/2002, यानी जब नरेंद्र मोदी से जब पूछताछ की एसआईटी ने तो भी इस इंटरव्यू के बारे में उनसे सवाल पूछे गए। एंड ही स्टेटेड दैट दोज हु हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ गुजरात वुड डेफिनेटली बी अवेयर दैट कम्युनल वायलेंस इन गुजरात हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड द स्टेट हैड विटनेस्ड सीरियस इंसिडेंट्स ऑफ सच कम्युनल वायलेंस। एज रिगार्ड्स टू जी टीवी इंटरव्यू is concerned, Shri Modi has stated that after a period of 8 years, he did not recollect the exact words, but he had always appealed only and only for peace. यहां पर यह लिखा है, और भी इन्होंने उस इंटरव्यू के बारे में काफी जगह जिक्र किया है, जहां पर मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि उस इंटरव्यू को मिसकोट किया गया पहले मीडिया द्वारा, और उस इंटरव्यू के बाद जो मिसकोट हुआ उसके आधार पर नरेंद्र मोदी को पूरी कोशिश की गई कि फंसा दिया जाए। और फिर बाद में मुझे सम्मान आने लगे, और जब मैं वहां जाता था तो मुझसे अक्सर दबाव डालकर यही कहा जाता था उस समय की सरकार द्वारा कि आप ये मान लीजिए कि वाकई उन्होंने उस इंटरव्यू में यह कहा था। अब उस समय जब यह 2002 की बात है, तब उस समय इंटरनेट अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था, सोशल मीडिया होता नहीं था, YouTube होता नहीं था। अगर उस समय YouTube रहा होता तो वो इंटरव्यू आपको आज YouTube पर पड़ा हुआ मिल जाता, लेकिन उस समय जो टेक्नोलॉजी थी जो हम इस्तेमाल करते थे उसमें एक ही कैसेट पर कई बार उसको रिसाइकल करके उसमें दोबारा दूसरी शूटिंग हो जाया करती थी, और वो इंटरव्यू कुछ दिन लाइब्रेरी में रहा और उसके बाद उसे इरेज कर दिया गया क्योंकि उसी टेप पर, उसी कैसेट पर कोई और चीज शूट हो गई। लेकिन उस दौरान ये पूरी कोशिश होती थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और वो चाहते थे कि आप जाइए वहां और एसआईटी के सामने ये बयान दीजिए कि मेरे इंटरव्यू में वाकई नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गोधरा में क्रिया हुई थी और यहां पर प्रतिक्रिया हुई है, आप ऐसा कहिए और आप ये बताइए कि उस इंटरव्यू का भाव ये था कि वो जानते थे कि ऐसा होने वाला है और वो उसका समर्थन कर रहे हैं, जिसका कि मैंने इनकार किया और मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद जो इतिहास है वो सब आपके सामने है, हम उस बात को भूल चुके थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में वो सारी बातें लिखी हैं, उस इंटरव्यू का जिक्र किया है।
Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.